हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डबल हॉर्न के साथ में कटआउट कैसे सेट करते हैं, कनेक्शन कैसे किया जाता है, उस बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ में वीडियो में बना रहा हूं। इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो मैं आपको एक तरीके बताऊंगा इस हॉर्न के साथ में कटआउट सेट करने का, आप पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आप घर पे आराम से इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वायरिंग डायग्राम के साथ में आपको समझाने वाला हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो मैंने एक वायरिंग भी तैयार की है, पहले मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको पहले वायरिंग तैयार करनी है, उसके बाद में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ किस तरह से आपको वायरिंग बनानी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो इसमें आपको तीन वायर बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहला वायर मैंने ये बनाया है, इसमें दो क्लिप लगाई है इधर और इधर से, दोनों को एक साथ में अटैच कर दिया है। ये पहला वायर है। उसके बाद में दूसरा वायर जो हमको बनाना है, उसमें दो साइड में, दो वायर में, दोनों में क्लिप लगानी है और इस तरफ से दोनों को एक साथ में क्लिप के साथ में अटैच कर देना है। इसमें टोटल तीन क्लिप है और इस तरफ अलग अलग क्लिप लगी हुई है, इस तरफ दोनों वायर एक साथ एक क्लिप में मैंने अटैच कर दिए। ठीक है, ये दूसरी वायर हमको तैयार कर लेनी है। उसके बाद में हमारी तीसरी और लास्ट वायर आती है, ये जो सिंगल वायर है, थोड़ी आपको लंबी ले लेनी है और इसमें सिर्फ एक ही तरफ ये क्लिप लगानी है, बाकी ये सिंपल सीधी तार है। एक बार मैं आपको तीनों एक साथ में दिखा देता हूँ। तीन वायर ये आपको पहले बना लेनी है ताकि आपको फिट करने में, कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आपको तीन वायर बना लेनी है। सबसे पहली वायर जो आपको मैंने बताई कि सिंगल वायर लेनी है, इसमें एक क्लिप लगा लेना है। दूसरी वायर में दो क्लिप लगाने हैं और फिर वो दोनों वायर एक साथ में अटैच करके यहाँ पे एक क्लिप के साथ में फिट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी वायर है, दो वायर आपको लेने हैं, दोनों में क्लिप लगा लेना है और उस वायर को यहाँ से अपने क्या सिंगल में ज्वाइंट कर लेना है। तो ये कनेक्शन कैसे होगा, मैं आपको पहले गाड़ी में हॉर्न फिट करूंगा और उसके बाद में जो ये कटआउट है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे कनेक्शन इसका आसानी के साथ में आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हॉर्न फिट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम कनेक्शन कैसे करते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो हॉर्न मैंने फिट कर दिया है यहाँ पे, हालांकि इसमें एक हॉर्न मुझे उस तरफ लगाना है, लेकिन मैंने दोनों एक साइड में इसलिए फिट किया है ताकि आसानी से हम समझ पाए कि इसका कनेक्शन जो है वो कैसे करना है। तो हॉर्न मैंने फिट कर दिया है, उसके बाद में ये जो कटआउट है, इस कटआउट का कनेक्शन हमको समझना है। पहले आप एक बार जूम करके मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कटआउट का कनेक्शन कैसे करना होता है। इस पे यहाँ पे इन पिनों पे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये 85 नंबर है और ये 86 नंबर है, 85, 86 और ये 30 नंबर है और ये 87 नंबर है। तो हमको सबसे ज़्यादा दो नंबर पर ध्यान देना है, 85, 86 की जो ये दो पिने हैं, ये हमको जो गाड़ी में हमारी हॉर्न लगा हुआ आता है ये उसकी पिने हैं, जो सिंगल हॉर्न आता है। तो ये जो दोनों पिने हैं ये आपको एक 85 में और एक 86 में ऐसे स्लॉट में सेट कर देनी है। ये 85 है और ये 86 है, इस दोनों में सेट कर देनी है। उसके बाद में हॉर्न का बटन आपको दबा के चेक करना है इस प्रकार से। ठीक है, हॉर्न का बटन दबाने से जो कट कट की आवाज़ आ रही है, अगर ये आ रही है तो इसका जो हमने जो कनेक्शन किया है ये ओके है एकदम। ठीक है, ये दो वायर तो हमने लगा दी। इसके बाद में जो बाकी वायर का प्रोसेस है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। उसके बाद में हमारे जो ये सिंगल वायर है, इसकी पिन कटआउट के इस स्लॉट में लगानी है, जो जिस पे 30 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे लगा देनी है। और ये पिन फिर हमको बैटरी के पॉजिटिव वायर में देनी है, यानी कि प्लस वाले वायर में देनी है, यहाँ पे इस प्रकार से। ये क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट करंट कटआउट जो है, इससे क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट करंट जो है वो कटआउट में जाएगा और कटआउट से होते हुए फिर हॉर्न के अंदर जाएगा। तो हमको एक वायर जो है बैटरी के प्लस में दे देनी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक कटआउट में लगा देनी है। अब बचती है हमारी ये दूसरी वाली वायर, जिसमें एक तरफ दोनों वायर एक साथ अटैच है, दो तरफ ये अलग अलग है। ये हमको क्या करना है, इस वाले स्लॉट में जो कि लास्ट बचा हुआ है इसमें ऐसे फिट कर लेनी है। और इस तरफ से जो ये डबल वायर है ये हमको हॉर्न के दोनों एक एक स्लॉट में लगा देनी है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो गया कम्प्लीट। अब बचती है हमारी ये लास्ट वाली वायर, जो इसमें दो पिने दो वायर में अलग अलग लगी हुई है और इस तरफ से हमने दोनों वायर एक साथ में अटैच किए हुए हैं। तो ये हमको क्या करना है, एक पिन इसमें लगा देनी है और दूसरी पिन दूसरे हॉर्न में यहाँ पे लगा देनी है। और जो इसका जो ये वायर है ये बॉडी अर्थ करना है, मतलब किसी भी नट में हम दबा देंगे। मैं इसको लेग गार्ड का जो 12 mm का बोल्ट आता है इसमें दबा देता हूँ अर्थिंग के लिए। ये इसमें जो अर्थ का वायर है मैं इस नट में दबा दे रहा हूँ, कहीं भी दबा सकते हैं आप, इसमें सिर्फ बॉडी अर्थ चाहिए होता है। अब
अब कटआउट का जो कनेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको बजा के हम चेक करेंगे कि हॉर्न की साउंड कैसी आ रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस कटआउट की जरूरत हमको क्यों होती है, क्योंकि जब हम गाड़ी में डबल हॉर्न लगाते हैं तो इसकी जरूरत होती है और लगानी जरूरी होती है, क्योंकि गाड़ी का जो ये हॉर्न का बटन होता है ये सिर्फ एक हॉर्न का ही लोड ले सके, इस तरह से डिजाइन किया होता है। अगर हम कटआउट नहीं लगाएंगे और दोनों हॉर्न बिना कटआउट के गाड़ी के ही कनेक्शन में करेंगे तो कुछ टाइम बाद में हमारा ये जो बटन है ये खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप डबल हॉर्न लगा रहे हैं तो आपको ये कटआउट लगानी बहुत जरूरी होती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कंप्लीट इसका कनेक्शन जो है वो हमने कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको बजा के चेक करते हैं कि हॉर्न का साउंड जो है वो कैसा आ रहा है। तो हॉर्न का साउंड जो है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने पल्सर वाले हॉर्न लगाए, ज्यादा बड़े नहीं लगाए, पल्सर वाले ही इसमें हॉर्न सेट किए हमने विद कटआउट। तो उम्मीद करता हूँ कि कनेक्शन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो हमारी लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।